ളമോർഹന്താളം ളമോ സിദ്ധാളം ളമോ ആയിരിയാളം ളമോ വജ്രായാളം ളമോ ലോയേ സവസാഹുളം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോ ഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാര്യോ ജൈന ധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവ മംഗള മംഗള്യം സർവ കല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവ ധർമ്മാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം ജൈനം ജയതു ശാസനം ശ്രീവർദ്ധമാനമർഹന്തം നത്വാ ബാല പ്രബുദ്ധൈ വിരച്യതേ മിതേ സ്പഷ്ടേ സന്ദർഭന്യായ ദീപിക മഹാവീരം ജിനം നത്വാ ദീപികായാ വിശേഷാർത്ഥാ പ്രകാശേന പ്രകാശ്യതേ. श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका, ठीक है, किसके द्वारा विरचित? श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति, न्याय दीपिका, न्याय की दीपिका, न्याय को प्रकाशित करने वाली अथवा न्याय के द्वारा वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाली अथवा प्रमाण और नए स्वरूप जो न्याय है उसके द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, उसका नाम है न्याय दीपिका. ठीक है, क्या क्या बोला? न्याय के द्वारा, न्याय किसका नाम? प्रमाण और नए, इसका नाम न्याय है. और उसके द्वारा, उस न्याय रूपी दीपिका के द्वारा, न्याय रूपी दीपक के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया जाता है, इसलिए वह क्या है? न्याय दीपिका है. न्याय की आपने यदि परिभाषाएं पढ़ी हो, कभी सुनी हो, जानी हो, एक तो लगभग सबने सुन ली, पढ़ ली कई बार, प्रमाणात्मको न्याय. इसके अलावा और भी शास्त्रों में न्याय संबंधी बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं. जैसे सबसे पहले तो यह न्याय शब्द किससे बना? किससे बना? नी उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से. कौन सी धातु? इणगतौ धातु से घय प्रत्यय करने पर न्याय शब्द बनता है. फिर से बोलता हूं, नी उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से घय प्रत्यय करने पर न्याय शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ हुआ नी माने निश्चित रूप से, संपूर्ण रूप से. इण इणगतौ, इण माने जाने के अर्थ में, ठीक है, जाने के अर्थ में, गतौ गतौ माने गत्यार्थक, जाने के अर्थ में. और जाने के अर्थ में एक नियम है, आपने सुना हो कि जो जो धातुएं गमनार्थक होती हैं वे धातुएं ज्ञानार्थक भी होती हैं. तो यहां पर भाव यह हुआ कि संपूर्ण रूप से, नहीं माने निश्चित रूप से, जो ज्ञान कराए, इणगतौ माने जो ज्ञान कराए, उसको कहते हैं न्याय. अथवा न्याय की परिभाषा इस तरह से भी मिलती है, नितराम
ईयते ज्ञायते अर्थः इति न्यायः। मतलब क्या हुआ चिन्मय, नितराम माने सर्व ओर से पूर्णतः, क्या बोले छोटू, पूर्णतः, नितराम माने सर्व ओर से अथवा पूर्णतः, ईयते, ईयते माने जाना जाता है, अथवा ज्ञायते जाना जाता है, अथवा जाना जाता है कहें या ज्ञान किया जाता है, जिसके द्वारा उसको कहते हैं न्याय। माने सर्व ओर से जिसके द्वारा अच्छी तरह से भली भांति जाना जाए उसको कहते हैं न्याय। अथवा एक और परिभाषा मिलती है, ठीक है, कितनी परिभाषा हो गई न्याय की, दो तो ये हो गई और एक पहले की है ही, प्रमाण आत्म को न्याय एक, और एक तो अपन ने उसका शब्द कैसे बना वो देख लिया, नी उपसर्ग पूर्वक एण गदउ धातु से घ प्रत्यय करके न्याय बनता है। और फिर अपन ने व्युत्पत्ति पर परिभाषा देखी, कौन सी, नितराम ईयते ज्ञायते अर्थः, माने अर्थ माने पदार्थ, जो सर्व ओर से जाने जाते हैं उसको कहते हैं न्याय, माने जिसके द्वारा जाने जाते हैं वो चीज है न्याय। फिर एक और परिभाषा मिलती है शास्त्रों में, इसमें कई फुटनोट में टिप्पणियों में भी मिलती है, अर्थ परिच्छेदकोपायो न्यायः। क्या बोले, अर्थ परिच्छेदक उपाय, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, तत्व, कुछ भी कहो, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, तत्व, कुछ भी कहो, ये सब क्या है, अर्थ। और परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब क्या होता है, परिच्छेद माने अधिकार, अधिकार छोड़ दो इधर, परिच्छेद माने होता है निर्णय, क्या होता है, सब जगह अलग अलग, पहले ही बताया था, एक शब्द से अनेक अर्थत्वात् अदोषः, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। यहां परिच्छेद का अर्थ निर्णय, माने पदार्थ का जो निर्णय कराए, और निर्णय कराने का परिच्छेद उपायो, पदार्थ के निर्णय का करने का जो उपायो माने उपाय है उसको कहते हैं न्याय। माने हम अच्छे से देख लें, भली भांति देख लें, किसी भी एंगल से समझ लें, ये जो न्याय है ये हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है, तत्व का ज्ञान कराने वाला है, और वस्तु स्वरूप का यदि ज्ञान हो गया, निर्णय हो गया, तो वास्तव में सच्चे धर्म की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि धर्म ही उसी का नाम है, किसका नाम है, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, और जो वस्तु का स्वभाव का हमें जो ज्ञान कराता है उसका नाम है न्याय, ठीक है, उसका नाम क्या है, ऐसे उस न्याय को हम पढ़ रहे हैं जिससे हमारे जीवन में असली न्याय उतरे, ठीक है, अन्याय नहीं हो। असली न्याय क्या है, यदि अपन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो वस्तु स्वरूप को जानने की बात कही जा रही है, वस्तु स्वरूप में अपना आत्मा भी आ जाता है, इसलिए जो अपने आत्मा को भली भांति जानता है, अपने आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, निर्णय करता है, उसमें लीन होता है, वास्तव में देखा जाए तो सच्चा न्याय तो वही है। और जो अपने आत्मा को नहीं जानता, नहीं पहचानता, उसमें नहीं रमता जमता, वह स्वयं के साथ ही अन्याय कर रहा है। हम दूसरों के साथ क्या अन्याय करेंगे, कौन किसके साथ अन्याय करता है, कोई किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता है। यदि हम अन्याय करते हैं तो अपने साथ करते हैं, और न्याय करते हैं तो ही अपने साथ करते हैं। गलत काम करेंगे तो हम ही पाप बांधेंगे, हमें ही कोई सजा मिलने वाली है, अन्याय किया अपने साथ। अच्छे काम करेंगे पुरस्कार मिलेगा, किसको मिलेगा, अपने को ही मिलेगा, तो न्याय किया तो अपने साथ। रात में खाएंगे तो क्या किया, पाप किया, किसको फल मिलेगा,
स्वयं कोई मिलेगा तो अन्याय किसके साथ किया? अपने साथ। और रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो क्या किया हमने? न्याय किया। तो क्या होगा? क्या होगा? पुण्य बंद होगा, पाप का त्याग होगा, पुण्य का बंद होगा। तो जो न्याय किया वो किसके साथ? स्वयं के साथ। और यदि अपने आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, रमेंगे, जमेंगे तो असली जो धर्म किया वह किया सच्चा न्याय, वह अपने साथ। और जो ऐसा नहीं करता, इसका उल्टा चलता है, वह अन्याय करता है, वह भी अपने साथ। इस तरह से सच्चे न्याय का ज्ञान कराने वाली दीपक की भांति अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली यदि कोई है तो है न्यायदीपिका। ऐसी से न्यायदीपिका की चर्चा अपन कर रहे हैं। बहुत गजब का विषय है, बहुत सुंदर। जिसको जम जाए मजा आ जाए, जिसको नहीं जमे तो सजा तो है ही उसके लिए, है ना। तो अपन ने प्रमाणमय के विवेचन की चर्चा प्रारंभ की थी पहले पैराग्राफ में, प्रमाण नयी रधिगमः सूत्र से। अगले पैराग्राफ में पहुंचे, वहां पर कल अपन ने जाना था प्रमाण नय का विवेचन। किसका? प्रमाण नय का विवेचन किससे होता है? उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा के द्वारा होता है, ठीक है। पृथ्वीपुर जम रही बात, डर तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहां फंस गए? नहीं लग रहा ना? ये सोच रहा होंगे यार कहां है ये संस्कृत सी पढ़ते रहते हैं तो गजब फंसे ध्रुवधाम में जाके। क्यों फंसे? क्या नहीं फंसे? नहीं फंसे? ये क्या कठिन कठिन पढ़ाते हैं यहां? तो हमारे बस का नहीं है ये संस्कृत, अभी तो वे सिद्धियां पढ़ाएंगे। गलत किया तो फंसे, अभी तो भवती भवता भवंती चलना है, वर्तमान लट भू सत्तायाम धातु, ठीक है। अभी तो अभी शुरू नहीं हुआ होगा, हो गया अभी कहां, धीरे धीरे लट लकारे अनुबंध लोपे चप्तस जी सप्तस था, बहुत पढ़ना है अभी तो। किसी भी चीज से जो डर गया बस, इसलिए सबसे पहले जो चीज आए सामने कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इससे क्यों हारे? हम इससे क्यों हारे? हम तो जीतने के लिए आए हैं, और जो चीज सामने आएगी उसका मुकाबला करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। समझ में नहीं आए बार बार प्रयास करेंगे, लेकिन घबरा के पीछे नहीं हटना है। कई लोग हमने देखा है संस्कृत शुरू में क्लास पढ़ते ही हैं और घबरा के छोड़ के भाग जाते हैं। जयपुर में ही भगते थे, इधर भी कोई कोई भगे हैं। तो कई लोग रहते हैं संस्कृत से डर जाते हैं, भक्ति होता भवंती पता नहीं चलता कि वे सारे सूत्र, और फिर संजय जी है ना, तो उनको देख के उनका नाम सुन के तो लोग अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, है ना। आजकल तो अपना चमत्कार कम दिखाते हैं ना, पहले तो लोग नाम सुन के ही प्रणयराज जैसे पहले ही भग लिए। एक लड़का आया था यहाँ, संजय जी का नाम सुना के अरे ऐसे ऐसा, तो पहले ही हमें नहीं जाना स्कूल, खतरनाक है, बहुत मारेंगे, है ना। उनने जबकि हाथ नहीं लगाया उसको, वो साल भर डरते ही डरता रहा, और कैसे साल काटी और भाग गया, है ना। अपनेपन से करते हैं जो भी करते हैं, उनको अपना लगता है कि ये सब ध्रुवधाम हमारा है, ये सारे बच्चे हमारे हैं, उनके लिए विशेष मेहनत करते हैं। अब जो उनके अपनेपन को समझ ले तो हो जाए काम। अभी वहां एडमिशन नहीं हो रहा, अच्छे अच्छे 80-82% वाले भटक रहे हैं। कल ही मेरी बात हुई कि जबरदस्ती में 6-7 लड़के लिए, वो 75-80% वाले, उनमें भी उनने रसीद कटाई वहां पे 51-5100 रुपए की, वो विकास फंड में,
और तुम लोगों का क्या होता फिर, 51-51 अलग देना पड़ते, वो भी इतनी परसेंट वाले चाहिए उधर, किसी का एडमिशन नहीं होता, उनने करा दिया, और अभी भी एक दो मान लो आ गए तो उनका भी हो जाए, है ना। बोलो है, अरे वाह, बताया था बताया था। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़े, विषय आगे बढ़ाते हैं। कहां तक पहुंच गए अपन? तो हो गया प्रमाण न्याय का विवेचन किससे होता है? प्रमाण न्याय का विवेचन उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षण, दूसरे का सुन के मत बोला करो, है ना। कई बार क्या होता है, एक ने कह दिया तो दूसरे सब दोहरा देते हैं एक साथ, पता ही चलता कि क्या दोहराना था, बोल दो क्या जा रहा है ना। उद्देश्य तो सभी समझ गए, उद्देश्य माने नाम, जिस वस्तु के बारे में जानना है, पहचानना है, समझना है, निर्णय करना है, सबसे पहले हमें उसका नाम जानना अनिवार्य है। नाम जब तक नहीं जानेंगे तब तक कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे यहां एडमिशन लेना था तो सबसे पहले नाम जाना ध्रुव धाम, बांसवाड़ा राजस्थान में एक संस्था चलती है जहां शास्त्री कराते हैं, शास्त्री विद्वान बनाते हैं, तो नाम सुना तो आ गए, नहीं तो नाम ही नहीं सुनते तो क्या आते। इसलिए सबसे पहले तो चाहिए नाम। पर दुनिया में कोई भी चीज लेते हैं, देते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, तो हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहां पर भी सब सब्जियों के नाम हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है इन सबके नाम किसने बनाए होंगे, हैं? बताओ किसने नाम रखा होगा नींबू, किसने नाम रखा होगा लौकी, हैं? किसने नाम रखा होगा टमाटर, किसने नाम रखा होगा केला, शिमला मिर्च, हैं? परमल, कुमड़ा, गिलकी, कद्दू, माने क्या प्लानिंग, क्या गजब है। माने जितनी भी चीजें हैं हर एक के नाम है। देखा जाए तो ज्यादातर अपने आचार्यों ने तो ग्रंथों में तो चार पांच वो दे दिए, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चार पर आवास, मीठे में सारी मिठाइयां आ गई, चाहे वो शक्कर हो, चाहे गुड़ हो, चाहे और भी जितना जितना मीठा मीठा हो, सब हो गया। लेकिन उसकी वैरायटी के और भी दुनिया में कितनी सारी वस्तुएं हैं, सब के कोई ना कोई नाम है। बता दो कोई ऐसी वस्तु जिसका कोई नाम नहीं हो, किसका नाम? ग्रंथ के ऊपर ये नहीं, सबके नाम है बेटा, ऐसा मिल ही नहीं सकता कोई। ऊपर कलश है, ये जो मंदिर है, ये किताब है, जो कवर है, है, लेकिन सबके नाम है। बिना नाम की तो कोई चीज मिले ही नहीं। तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो सबसे पहले यहां कहते हैं उसका नाम चाहिए। ऐसी प्रमाण न्याय का भी विषय का कथन करना है तो सबसे पहले प्रमाण नाम चाहिए, उसका विवेचन करना है, नए नाम चाहिए। प्रमाण और नए जो नाम रख दिए गए, रख दिए मतलब है ही अनादि से। अब इन नामों का मात्र नाम से काम नहीं चलेगा, प्रमाण नए तो क्या करना पड़ेगा, उसका सेकंड नंबर स्टेप है लक्षण, उनका लक्षण जानना पड़ेगा। प्रमाण का लक्षण क्या है, नए का लक्षण क्या है, उसको भी जानना पड़ेगा। जब लक्षण जान लेंगे तो फिर तीसरे नंबर पर क्या काम होता है, उसकी परीक्षा करना पड़ेगी।
कल अपन ने देखा था यदि नाम नहीं जानेंगे तो लक्षण नहीं हो सकता, लक्षण नहीं जानेंगे तो उसकी परीक्षा भी नहीं हो सकती। इसलिए तीनों ही चीजें कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। नाम की परिभाषा पढ़ी थी, किसी ने याद की क्या? नाम किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, कितने लोगों को याद है? ये तो याद करके आए हैं कल, है ना? हाँ, वो पता है ना, ये तो नए किसी ने याद की हो के कोई कल ही याद की तो बता दे मुझे। चलो बोल दो एक साथ सभी, विवेक तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य, कि विवेक चिन्हीय वस्तु के, माने जिसका विवेचन करना, उस विवेचनीय वस्तु के जिसके बारे में कहना है, बताना है, जानना है, समझना है, ऐसी वस्तु के नाम मात्र का कथन करना, उसका नाम है उद्देश्य। ठीक है, यहां पे भी किसी को बुलाए मंच पर कि उसके बारे में बोलो, चेतन यहां पे बुलाए दो मिनट, उसके बारे में बोलो। अब कोई कहे अच्छा उसके बारे में, वो जो उस है वो बहुत अच्छा है उस थोड़ा, उस जो थोड़ा है, लंबा भी है, थोड़ा सा काला भी है, थोड़ा सा बातें भी ज्यादा करता है, जो उस है वो कभी कभी मस्ती भी करता है, उस कभी कभी खेलता भी है, ऐसा बोला जाएगा कि सारे विशेषण उन पर घटित हो रहे क्या? तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। तो उसके बारे में बोलो, तो उसके बारे में माने किसके बारे में? तो सबसे पहले तो उसका नाम चाहिए ना, किसके बारे में बोलना है, कि आलू के बारे में बोलना है, कि प्याज के बारे में बोलना है, कि भट्टे के बारे में बोलना है। तो अब आलू के, हाँ तो खाना नहीं है तो उसके बारे में कहा बोलना है, तो यही तो बोलोगे, आलू अभक्ष्य है, उसमें अनंत जीव है, यह खाने योग्य नहीं है, जो जीव इसको खाता है उसको महापाप होता है, नरकों में जाता है, ऐसा बोल सकते कि नहीं? तो पहले इतना सब बोलना हो तो सबसे पहले उसका नाम जानना जरूरी है। अच्छा, नहीं कह दिया ना, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया, सबसे पहले नाम, नाम के बाद उसका लक्षण, किसी चीज का लक्षण जानेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नाम मात्र से काम नहीं होता। तो लक्षण क्या चीज है, कल अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, कि व्यतिकीर्ण माने परस्पर में मिली हुई वस्तु को व्यावृत्ति हेतु, माने जिस चीज से व्यावृत्त करते हैं, जिस चिन्ह से, जिस पहचान से, जिस लक्षण से, ठीक है, ठीक है, जिस चिन्ह से, जिस पहचान से उसको अलग करते हैं, उसका नाम लक्षण है। गुलाबी कुर्ते वाले को बुलाओ, ठीक है, फीका नहीं, गहरा गुलाबी, अब फीका तो और भी है, तो किसको बुलाएंगे? सब इसको ही बुलाएंगे ना, अर्पित को, क्यों? कुर्ते वाले तो सब हैं, कुर्ते वाले को बुलाओ, ये लक्षण बन सकता है। हाँ, सारे पैंट शर्ट पहने हो और उनमें से कहें कुर्ते वाले को बुलाओ, तब तो वो लक्षण बन सकता है, क्योंकि सब में एक स्पेशल है कुर्ते पजामे वाला, तो वो एक लक्षण बन जाएगा, पहचान चिन्ह बन जाएगा। परस्पर मिले हुए विद्यार्थियों में से एक स्पेशल कुर्ते पजामे वाला है, उसको बुलाओ तो चिन्ह बन जाएगा, वो लक्षण बन जाएगा। लेकिन अब सारे कुर्ते पजामे वाले हैं तो उनमें से जो थोड़ा स्पेशल कुर्ते पजामे पहना हो वो अलग चिन्ह बनाया जाएगा, कि जिससे उसको अलग किया जाए, है ना? जैसे कहा कि नीले कुर्ते वाले को बुलाओ, तो कोई यदि दिख रहा होगा तो ये दिख रहा है थोड़ा नीला नीला, तो इसको बुलाया जाएगा। तो कुछ हटके, सबसे अलग मिले हुए, परस्पर मिले हुए में से किसी एक को किसी विशेष चिन्ह के द्वारा अलग करना, उसका नाम है लक्षण।
उसको पहचानना, उसका नाम है लक्षण। फिर राजवार्तिक में भी कहा, परस्पर व्यती करे सती येन अन्यत्वम लक्षते तल्लक्षणम। वही बात है, परस्पर में मिली हुई वस्तुओं में से जिसके द्वारा भिन्न किया जाए, अन्य किया जाए, अलग किया जाए, हटाया जाए, पहचाना जाए, उस चिन्ह को कहते हैं, क्या कहते हैं, लक्षण। क्या कहेंगे, पारस लक्षण। ठीक है, क्लियर है। यहां तक अपनी बात कल तक हो गई थी, बहुत सारा फिर से दोहराया, कुछ नया भी आया। अब बात आती है, वैसे तो परीक्षा की बात करना चाहिए, क्योंकि हो गया नाम, मैंने उद्देश्य हो गया, लक्षण निर्देश हो गया, अब परीक्षा। लेकिन परीक्षा को थोड़ा आगे करने वाले हैं, उसके बीच में अभी लक्षण पे ही थोड़ी चर्चा चलना है। तो अब कहा, जो लक्षण है वह है दो प्रकार का। कितने प्रकार का, मैं पहले ही पैराग्राफ पढ़ता हूं पूरा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना, ठीक है। आराम उधर देखो किताब में, द्विविधम लक्षणम। सब अच्छे से देखना, एक ही चीज पढ़ना भी आए सबको, और किसी से पढ़वाएंगे तो बोलना भी आए अच्छे से। द्विविधम लक्षणम आत्मभूतम अनात्मभूतम चेति तत्र यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्मभूतम यथा अग्ने रोशन्यम औष्ण्यम ही अग्ने स्वरूपम सद अग्निम अबादिभ्यो व्यावर्तयति तद विपरीतम अनात्मभूतम यथा दंडः पुरुषस्य दंडीमानम इति युक्ते ही दंडः पुरुषाननुं प्रविष्ट एव पुरुषं व्यावर्तयति यद भाष्यम तत्र आत्मभूतम अग्ने रोशन्यम अनात्मभूतम देवदत्तस्य दंडः। राजवार्तिक भाष्य में कहा, अध्याय दो सूत्र नंबर 8, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसकी अपन व्याख्या देखते हैं। द्विविधम लक्षणम, लक्षण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। जो कई बार ये जो लिखी ना न्यायदीप का, जो लिखी गई संस्कृत में, इसकी और भी प्रतियां मिलती हैं, तो कहीं कहीं पर जो अन्य प्रति हैं उसमें द्विविधम लक्षणम की जगह लिखा है तद्द्विविधम। क्या लिखा है, तद्द्विविधम यदि लिखा है तो एक ही बात है। तद्द्विविधम मतलब तत् माने वह, द्विविधम माने दो प्रकार का है, तो वह कौन, लक्षण दो प्रकार का है, तो दो वह दो प्रकार का तद्द्विविधम कहो सो भी सही, और लक्षण द्विविधम लक्षणम कहो तो भी वही बात है। तो लक्षण कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ, ठीक है। क्या नाम, विकास। लक्षण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक है। कौन कौन से दो, आत्मभूतम अनात्मभूतम च इति, आत्मभूत और अनात्मभूत, ठीक है। संस्कृत में है आत्मभूतम अनात्मभूतम, हिंदी करेंगे तो आत्मभूत और अनात्मभूत। च चा माने और, चा मतलब, ठीक है, अर्पित, चा मतलब क्या होता है, और, ठीक है। संस्कृत में जो जो आएंगे, संस्कृत भी अच्छे से जो जो है समझ से जाना, और बल्कि कॉपी लाते हो कि नहीं तुम लोग, ये सब कॉपी वोपी नोट करते रहो तो हर चीज संस्कृत भी अच्छी हो जाएगी, बढ़िया। बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, लेकिन उद्देश्य मैंने अभी समझने का है, ठीक है, और जहां जो चीज लिखना है तो लिखते भी गए। तो क्या बता दिए, लक्षण के दो भेद, आत्मभूतम अनात्मभूतम च, चा माने और, चा जो है बाद में लगता है, हिंदी में लगता है बीच में, जैसे राम और श्याम,
राम और श्याम हिंदी में, और जो है बीच में लगता है, संस्कृत में बाद में लगता है, जैसे रामः श्यामः च, रामः श्यामः च, ये बाद में लगेगा। लेकिन जब उसका हिंदी करेंगे तो राम और श्याम, ठीक है। तो यहां लिखा है आत्मभूतम अनात्मभूतम च इति, माने इस प्रकार, तो च बाद में लगा, तो इसका अर्थ हिंदी में करेंगे तो आत्मभूत और अनात्मभूत, ये दो प्रकार के क्या हो गए, लक्षण के भेद। लक्षण के क्या है गए, भेद। एक नहीं दिख रहा, एक लड़का रोहित कहां गया, कहां, चलो उस संबंध में बात बात करते हैं, अभी टाइम खराब नहीं करना है। सुनो, आत्मभूत और अनात्मभूत दो प्रकार का हो गया लक्षण। अब इसकी व्याख्या करते हैं, आत्मभूत क्या है और अनात्मभूत क्या है, ठीक है। दूसरी जगह उपयोग मत दौड़ाना, नहीं तो सबके दिमाग में एक ही चीज खटक रही है, रोहित रोहित रोहित, राइट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हैज ही गॉन टू भोपाल, भोपाल, और ही इज रोमिंग समवेयर, बांसवाड़ा, कुपड़ा और ध्रुवधाम, नोबडी नोज अबाउट हिम, दैट्स व्हाई डोंट थिंक अबाउट हिम, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, यस तो बोले ही दो, क्या करना है ना, ठीक है। तो क्या बोले, अब आत्मभूत और अनात्मभूत की चर्चा करते हैं। आत्मभूत क्या है, तत्र 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 का अर्थ होता है वहां, तत्र माने कुत्र, माने होता है कहां, यत्र माने जहां, ठीक है, ठीक है, यहां वहां जहां तहां, ऐसे ही है ना भजन एक, ठीक है। तो अत्र माने यहां, अत्र माने यहां, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहां, और सर्वत्र माने सभी जगह है, ऐसे मीनिंग होते हैं संस्कृत में, धीरे धीरे पढ़ना है। तो यहां क्या बोले, तत्र तत्र माने वहां, वहां माने उनमें, यहां जो प्रकरण है, यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तत् आत्मभूतम, मतलब क्या हुआ, यत माने जो, यत का मतलब जो, वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम, वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्ट हो, अनुप्रविष्ट माने एकदम घुसा हुआ हो, घुसा हुआ हो, अनुप्रविष्ट, प्रविष्ट माने प्रवेश करना, और अनु माने एकदम उसके अंदर, ये पीछे पीछे भी होता है, लेकिन यहां जो होगा, ठीक है, मूल अनु शब्द का अर्थ तो होता है पीछे, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाता है वो अर्थ बदलते चले जाते हैं, ठीक है। तो अनुप्रविष्ट बिल्कुल उसके अंदर, ठीक है, समा गया हो, लीन हो गया हो, एकमेक हो गया हो, वस्तु के अंदर, जो वस्तु के अंदर बिल्कुल एकमेक हो, उसको कहते हैं आत्मभूत, आत्मा में भूत, आत्मा में, उसको क्या कहेंगे, माने अपन सरल भाषा में पढ़ते तो मजा आता है, क्या बोले, आत्मा में भूत, उसका नाम आत्मभूत, आत्मा भूत नहीं, आत्मा में भूत, मतलब आत्मा का अर्थ तो होता है वो, मत लेना, आत्मा माने वस्तु, आत्मा माने वस्तु, और वस्तु में भूत, भूत का मतलब विद्यमान, भूत का मतलब विद्यमान, भूत माने होना, जो वस्तु में हो, क्या बोले, जो वस्तु में हो उसको कहते हैं आत्मभूत, बिल्कुल सरल है, अपन वहीं से अर्थ करें ना एक एक चीज तो भूले ही नहीं कभी, अभी कहां भूलने वाले, नहीं तो अपन वही शब्दार्थ शब्दार्थ पढ़ लेते सब भूल जाते हैं, एकदम ऐसे पक्के करें
आत्मभूत माने जो आत्मा में विद्यमान हो, आत्मा में हो, और आत्मा का मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु, जो वस्तु में हो पाया जावे उसको कहते हैं आत्मभूत। तो यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम, जो वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्ट हो, अनुप्रविष्ट हो माने उसी में मिला हो, एकमेक हो, उसको कहते हैं आत्मभूत। अभी अपन देखेंगे उदाहरण से, ठीक है। यथा, यथा क्या लिखा है आगे, अग्नि, हाँ हमें पता था कि तुम यही बोलोगे, जब मैं पढ़ रहा था तब भी कह रहे थे कि गड़बड़ सा हो रहा है कुछ। रोशन नियम नहीं लिखा है, अपन सब रोशन नियम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, औषण नियम लिखा है, औषण नियम, मैंने देखा ज्यादातर सब यही पढ़ते हैं औषण नियम या रोशन नियम, ये औषण नियम रोशन नियम कुछ लिखा ही नहीं उसमें, अच्छे से देखो, औषण नियम यथा अग्नेः औषण नियम, ठीक है, इसलिए हमने पढ़वाया कि क्या पढ़ते हैं कई लोग। अग्नि यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, तो जैसे यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, कथा माने कैसे नहीं होता लेकिन, ठीक है, क्या बोले, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, यथा तथा, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। तो यहां बोल रहे हैं यथा, यथा माने जैसे, उदाहरण दिया अग्नेः औष्ण्यम्, अग्नि की उष्णता, क्या बोले, अग्नि की उष्णता माने अग्नि की जो उष्णता है, तो अग्नि तो है वस्तु, अग्नि क्या है, वस्तु, अपन ने कहा ना जो वस्तु में पाया जाए, और औष्ण्यम्, औष्ण्यम माने उसकी उष्णता, अग्नि की उष्णता किसमें है, किसमें है, अग्नि में है, अग्नि में ही पाई जाती है, कितनी जगह में पाई जाती है, मान लो यहां से लेके ऊपर तक अग्नि जल रही हो, तो गर्म कहां कहां तक लगेगी, नीचे नीचे गर्म है कि ऊपर ऊपर गर्म है, जहां तक जा रहे पूरे में गर्म है, सब जगह ऐसा छू के देखा क्या, एक जगह छू लो तो साइड साइड में भी गर्म है, अंदर भी गर्म है, ऊपर भी गर्म है, नीचे भी गर्म है, दाएं भी गर्म है, बाएं भी गर्म है, सब जगह गर्म है, क्योंकि अग्नि की उष्णता है, वह अग्नि में सर्वत्र व्याप्त है, एकमेक समाहित है, इसको कहते हैं कौन सा लक्षण, आत्मभूत लक्षण, आत्मभूत, आत्म माने वस्तु में बिल्कुल मिला हुआ हो, एक में एक मिला हुआ हो, तो अग्नि की जो उष्णता है वह अग्नि में, अग्नि माने अग्नि जो एक वस्तु है उसके अंदर उष्णता बिल्कुल एक में एक अनुप्रविष्ट है, मिली हुई है, उससे भिन्न नहीं है, इसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण। सरल तो नहीं लग रहा, नहीं, नहीं लग रहा, दो चार बोले नहीं लग रहा, है ना, सरल लग रहा है, वो हिला नहीं पा रहा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हाँ बोल रहा है, चलो ठीक है, है ना, सोच के जवाब देना, कभी मैं बोल देता हूं सरल तो नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आत्मभूत, ठीक है, अब आगे देखो, यहां बता रहे हैं अगली लाइन में, औष्ण्यम ही अग्नेः स्वरूपम सत अग्निम अवादिभ्यो व्यावर्तयति, क्या बोल रहे हैं इसमें, कि जो उष्णता है, उष्णता मतलब जो गर्माहट है, गरम गरम है, ताता है, क्या है, जानते हो ताता क्या होता है, क्या होता है,
क्या छोटा बच्चे को? हाँ सही कह रहा है, छोटे बच्चे को समझाते हैं तो बोलते हैं ताता है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। और बड़े बच्चों को गर्म है, और स्टैंडर्ड वाले साहित्यिक बच्चों को उष्ण है। क्या गजब है कि सबके अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार बताया जाता है। छोटा सा बच्चा हो ताता है, थोड़ा सा बड़ा हो तो गर्म है, और अच्छा लिटरेचर साहित्य पढ़ता हो तो उष्ण है। यह अग्नि उष्ण है, छूना नहीं चाहिए। अब ऐसे पानी में छोटा सा बच्चा हो क्या कहेंगे? मम्मम। यार हम मम्मम कभी सीखे नहीं, वो सीधा पानी सीख गया, हम लोगों ने कही नहीं कभी। तो कोई कोई जो लड़के थे ना भूतपूर्व आते थे जाते थे, छोटा सा था मम्मम चाहिए मम्मम, मम्मम मम्मम कोई मतलब नहीं था, तो सीधा पानी लाओ। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है, छोटे बच्चों को मम्मम, थोड़े से बड़े हो गए तो पानी, और अच्छे साहित्य हो गए तो जल, और भी कई लोग हो तो और नीर, और अंग्रेज हो गए तो वाटर, अलग अलग, ब्रिटिश हो तो वाटर है ना, और अमेरिकन हो तो वाटर, अलग अलग, और बुंदेलखंडी वाला हो तो वाटर। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते ना, नहीं बोलते सही? सही बताओ ना। जैसे जैसे जो बॉल करते ना, जब बॉल तो थोड़े इधर से अगल बगल से निकल जाती दूर से, तो क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं? बहुत सारे लड़कों से सुन लेना, ज्यादातर खासतौर से एमपी बुंदेलखंड के, भाई टोल भाई टोल। क्या गजब यार, अच्छी, अभी भी अच्छे अच्छे पढ़ लिख जाते हैं वे, सब भी सबसे पूरे जिंदगी निकल जाती खेलते खेलते, उनकी बॉल सफेद ही रहती है चौड़ी होती नहीं, जबकि वो क्या है, चौड़ी है, क्या है वो बॉल, चौड़ी होती है, लेकिन सब उसको सफेद ही बना के रखते हैं। ठीक है, तो क्या बोले यहां पर, आ जाए वापस यहीं पर, कि अग्नि औष्ण्यम ही अग्नि है, जो उष्णता है वह ही माने वास्तव में, ही माने वास्तव में अथवा निश्चय से, ही का अर्थ वास्तव में अथवा निश्चय से, अग्नि है स्वरूपम, अग्नि के स्वरूप को, जो अग्नि की जो उष्णता है, जो उष्णता है वह अग्नि के स्वरूप को सत अग्निम अबादिभ्यो व्यावर्तयति, जो सत माने होता है विद्यमान, सत माने, सत माने है विद्यमान, और कहीं पर सत की जगह पर दूसरी जो प्रतियां होती हैं उसकी, सत की जगह तत् भी मिलता है, क्या मिलता है, तत्, तत् माने वह, अग्निम वह, वह माने नहीं, वह माने उष्णता, वह का अर्थ यहां क्या लेना, उष्णता, सत माने जो विद्यमान, उसका अर्थ उष्णता, अग्निम माने अग्नि को, जो उष्णता है वह अग्नि को अवादिभ्यो, अवादिभ्यो माने अप आदिभ्यो, अप माने जल पानी नीर मम्मम, क्या बोले, हाँ क्या होता है, नहीं होता, तुम जानते नहीं हो, मम्मम हमें पता है, सीखे नहीं कभी। मम्मम माने छोटे बच्चों को, ये बता रहा था अभी, ये अभी से सीख गया, छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, पानी पिलाना हो तो मम्मम पियोगे मम्मम, तुम नहीं जानते। चलो, तो जो उष्णता है वह अग्नि को अप आदिभ्यो माने जल आदि से व्यावर्तयति, जल आदि से भिन्न करती है, किसको, अग्नि को, जो उष्णता है
वह अग्नि को किससे भिन्न करती है? जल आदि से। कैसे, क्यों भिन्न करती है? क्यों भिन्न करती है? क्योंकि उष्णता तो गर्म है, उष्णता गर्म है और जल शीतल है, है ना? तो वह जो शीतल चीज को भिन्न करेगी ना, क्यों से मिलाएगी, भिन्न करेगी। तो जो उष्णता जो लक्षण है किसका, अग्नि का जो लक्षण है वह जल आदि से अग्नि को भिन्न करती है। जैसे कहा ना गुलाबी कुर्ता, यह जो गुलाबी जो कुर्ता है, जो कुर्ता है वह अर्पित को अन्य विद्यार्थियों से भिन्न करता है, किसी में मिलाता नहीं है, मिक्स नहीं करता। उसी तरह जो अग्नि की जो उष्णता है इसकी नींदता है, वह जागृतों से उसकी उसको व्यावृत करती है, है ना? समझने तो आ रहा ना, कठिन थोड़ी लग रहा है? पारस न्यायदीप का तो पढ़ चुके ना तुम, फर्स्ट ईयर में आ गए। अरे वाह, ये पढ़ा था सब? कितना पढ़ा, क्या लिखा भी था, नंबर भी मिले होंगे बहुत सारे। कितने मिले? 80, 100 में से? गजब, ऐसे ही है चमत्कार। हो गया, क्लियर है? उष्णता क्या काम करती है? अग्नि को किससे भिन्न करती है? जल आदि से भिन्न करती है, क्योंकि उष्णता गर्म है तो वह अग्नि में ही पाई जाएगी, जल आदि में नहीं पाई जाती है। ये बात हो गई, ये आत्मभूत की चर्चा हो गई। अब अनात्मभूत की बात करते हैं। क्या है अनात्मभूत? क्या है? तद विपरीतम अनात्मभूतम। तद विपरीतम माने उससे विपरीत, उससे भिन्न। उससे माने किससे? आत्मभूत से, क्योंकि अभी बात किसकी चल रही थी? आत्मभूत की। तो उससे भिन्न माने आत्मभूत से भिन्न। तो आत्मभूत से जो भिन्न है उससे, उसका नाम क्या है? अनात्मभूत। आत्मभूत से जो भिन्न है उसका नाम विपरीत है, उसका नाम है अनात्मभूत। अब अनात्मभूत क्या है देखते हैं। यथा दंडः पुरुषस्य, जैसे कि पुरुष का डंडा। अभी तक तो सुना था पुलिस का डंडा, अब किसका सुन रहे हैं? यहां पुरुष का डंडा है। किसका डंडा? पुलिस का डंडा, लेकिन यहां किसका डंडा? पुरुष का, पुरुष का, पुरुष पुरुष तो सब है, पुरुष का डंडा। ये तो उदाहरण है, जैसे अपन ने समझे ना कुर्ते उर्ते वाले उदाहरण, ऐसे ये भी है। हाँ, जो बूढ़े लोग होते हैं वो डंडा, जैसे अपनी बुआ जी है ना, वो डंडा लेके चलती हैं। तो वो डंडा क्या है? बुआ जी का लक्षण है, ठीक है। मान लो बहुत सारी महिलाएं हों, सुनना राम, बहुत सारी महिलाएं हों, बहुत सारी लेडीज हों, उनमें से कहें जो डंडे वाली लेडी हैं उनको बुलाओ, तो किसको बुलाएंगे? है? जो डंडे लेके साथ में चलती हैं पीटने के लिए, वो वाली ना, जो उसको लेके चलती है ना, वो डंडे वाली साथ में, तो पहचान है वो। क्या है वो डंडा? पहचान है। तो यहां जो डंडा उदाहरण दिया ना, पुरुष का डंडा, माने बहुत सारे पुरुष थे, तो उन सभी पुरुषों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हाथ में डंडा था। क्या था? तो कहा उस डंडे वाले को बुलाओ, डंडे वाले को बुलाओ। तो यह जो डंडा वाला पुरुष हुआ वह कौन सा लक्षण हुआ?
अनात्मभूत, अनात्मभूत। तो अनात्मभूत की परिभाषा बनाएंगे तो कैसी बनेगी, उसमें था ना जैसे आत्मभूत की क्या थी, यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्मभूतम। और अनात्मभूतम का मतलब यद वस्तु स्वरूपाननुप्रविष्टम, उसमें था स्वरूपानु और इसमें स्वरूपाननु, क्या जोड़ दिया, ननु जोड़ दिया, बस इतना तो है। उसमें स्वरूपानु अनु और इसमें स्वरूपाननु, उसमें अनु और इसमें ननु, इतना बदलना है। क्या बात है, परिभाषा बदलना हो तो अनु को ननु कर दो, परिभाषा बदल जाती है, आत्मभूत से अनात्मभूत हो जाती है। तो यद वस्तु स्वरूपाननु प्रविष्टम तद अनात्मभूतम, मतलब जो वस्तु के स्वरूप में नहीं मिला हो, जो वस्तु के स्वरूप में वस्तु में नहीं मिला हो उसका नाम है अनात्मभूत। जैसे कि उदाहरण क्या दिया, पुरुष का डंडा, बताओ ये वस्तु के स्वरूप में मिला है क्या, उस मनुष्य के अंदर घुस गया क्या। जैसे उष्णता है अग्नि में, सब जगह थी, एक एक अंश में थी, जहां जहां अग्नि वहां वहां उष्णता, धुआं नहीं बोलना भैया, अभी धुएं की बात नहीं चल रही है, नहीं तो धुआं और अग्नि याद आते हैं अपन को। जहां जहां अग्नि वहां वहां उष्णता, और जहां जहां उष्णता वहां वहां अग्नि, ये बिल्कुल 100% ये आत्मभूत लक्षण है। लेकिन मुझे बता दो कि जो आत्मभूत जो बताए तो पूरी वस्तु के स्वरूप में अग्नि में पूरे में मिला हुआ था, लेकिन जो डंडा है ये पुरुष में कितना मिला है, कितने परसेंट मिला है, सोच रहे हो, ऐसे लग रहा है बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया है। सही बात है, आग बुझ गई हो तो फिर उष्णता भी चली जाती है ना, आग रहती है ना उष्णता, आग नहीं तो गर्म नहीं, गर्म नहीं तो आग नहीं, ठीक है, रुक जाओ भी दूंगा तो निकल लें लो। तो ये जो डंडा है यह पुरुष का आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत, अनात्मभूत क्यों है, क्योंकि वह वस्तु में मिला हुआ नहीं है, उससे भिन्न है। लेकिन जब उससे भिन्न है तो लक्षण क्यों कहा, अनात्मभूत लक्षण है ना ये, तो इसको लक्षण क्यों कहा, क्योंकि यह अन्य पुरुषों से उस पुरुष को भिन्न करता है, पहचान का चिन्ह है, परस्पर मिले हुए पुरुषों में से किसी एक पुरुष को भिन्न कर रहा है, किसी एक पुरुष की पहचान बता रहा है, इस कारण से इसको भी लक्षण कहते हैं। लेकिन यह पुरुष के अंदर घुस गया हो, उसमें समा गया हो, उसमें पूरा अंग एक मेक हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस कारण से इसको कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। ठीक है, ऐसा चल रहा, लोरी चल रही हो क्यों अक्षय, सुन रहे हो क्या पूरा ना, बस तो फिर तो क्या हो गया ये अनात्मभूत लक्षण। अब इसको बताते हैं आगे इसकी व्याख्या, दंडीमानम नहीं, दंडीमान इति उक्ते ही दंडः पुरुष पुरुषान अनुप्रविष्टम ननुप्रविष्ट एव पुरुषम व्यावर्तयति, कि दंडीमान इति उक्ते, डंडे वाला यह कहने पर, दंडीमान माने डंडे वाला, इति उक्ते माने यह कहने पर ही, दंडः माने डंडा पुरुष अननुप्रविष्टम, कि पुरुष में कैसा है, अननुप्रविष्ट है, माने पुरुष के अंदर प्रविष्ट नहीं है, उससे भिन्न है, एव पुरुषम व्यावर्त्यति, वह डंडा
उस डंडे वाले पुरुष को अन्य पुरुषों से भिन्न करता है, इसलिए इसको भी लक्षण कहते हैं। लेकिन कौन सा लक्षण? अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। यद भाष्यम, भाष्य में कहा भी है राजवार्तिक में, तत्र आत्मभूतम अग्निरोष्णम अनात्मभूतम देवदत्तस्य दंडः। कि आत्मभूत लक्षण है अग्नि की उष्णता और अनात्मभूत लक्षण है पुरुष का डंडा। ठीक है, समय अपना हो रहा है, हो चुका है। इस तरह से आज अपन ने मुख्यता से लक्षण के दो भेद जाने। कौन से दो भेद? आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत क्या हो गया? जो वस्तु में स्वरूप में मिला हुआ हो, एक में एक हो, जिसको भिन्न नहीं कर सकते, उसका नाम है आत्मभूत। और अनात्मभूत क्या है? जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ नहीं, उससे भिन्न हो, उसका नाम अनात्मभूत। ऐसा होने पर भी दोनों आत्मभूत हो चाहे अनात्मभूत, काम तो एक ही कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, मिले हुए में से अलग कर रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। इस कारण से दोनों ही लक्षण हैं। दोनों ही क्या हैं? लक्षण हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने आत्मभूत और अनात्मभूत की आज चर्चा की। शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे, समय पूरा हो चुका है।